नमस्कार, टीवी इंडिया के खास प्रोग्राम खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की दिनभर की खबरें। पीएम मोदी को गुजरात के गिर पाटन में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी को अध्यक्ष बनाए जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में मंदिर की गरिमा और भव्यता बढ़ेगी। बता दें कि नरेंद्र मोदी सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष बनने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई को न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पीएम न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। वैक्सीन को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वैक्सीन लगाने के बाद दो लोगों की मौत ने वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में वैक्सीन निर्मित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को लेकर के एक चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि जिन्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या हो वो वैक्सीन ना लगवाएं। बुखार या फिर किसी भी प्रकार की एलर्जी का इतिहास रहा हो और गर्भवती महिलाएँ भी वैक्सीन ना लगवाएं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक फैक्टशीट जारी की है जिसमें वैक्सीन लगवाने से संबंधित सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच खबर आ रही है कि चीन ने भारतीय सीमा में एक गांव बसा लिया है। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पिछले साल से ही बुनियादी ढांचा निर्माण करने की गतिविधि शुरू की थी। इसके जवाब में भारत सरकार भी अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा मौजूद करने के लिए काम शुरू कर चुकी है। इसमें सीमा के साथ साथ स्थानीय आबादी को भी जोड़ा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश सहित अपने नागरिकों की आजीविका में सुधार के लिए कटिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर सरकार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय उठाती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम 1,11,111 रुपये का चेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। सिंह ने मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का हम सभी ने स्वागत किया है, किंतु मंदिर निर्माण के लिए न्यास का जो गठन किया गया है उसमें सनातन धर्म के प्रमुख शंकराचार्यों में से किसी एक को भी सम्मिलित नहीं किए जाने पर मुझे ऐतराज है। फिर भी मैं चाहूंगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण यथाशीघ्र हो, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है कि मंदिर निर्माण हेतु दान करने के लिए कहाँ और किस बैंक में किस खाते में राशि जमा करनी है। इसलिए मंदिर निर्माण में अपने योगदान स्वरूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम चेक भेज रहा हूँ। आशा है आप उसे उचित खाते में जमा करवा देंगे। गुजरात के सूरत जिले में मंगलवार को एक ट्रक से कुचलकर 13 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना सूरत से करीब 60 किलोमीटर दूर कोसांबा गांव के पास मंगलवार को तड़के हुई। उन्होंने बताया कि मारे गए सभी प्रवासी मजदूर राजस्थान से थे। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि किम मांडवी रोड के फुटपाथ पर 18 मजदूर सो रहे थे जिन्हें एक बेकाबू डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मारे गए सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की गति धीमी पड़ गई है। वैक्सीन सेंटर्स अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से GNM ट्रेनिंग सेंटर सहित जिले में अन्य जगहों पर वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। खबर मिलने के बाद CMHO राकेश गुर्जर चित्तौड़गढ़ मुख्यालय के GNM ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण करने भी पहुंचे। निरीक्षण के बाद राकेश गुर्जर ने कहा कि हम रोजाना जारी होने वाली सूची को अपडेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि चित्तौड़गढ़ में भी टीकाकरण के काम में तेजी लाते हुए संख्या में बढ़ोतरी हो। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 4 सेंटरों पर अभी भी वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में 4 बूथ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रावतवाटा कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी जगह हमने बेगू CSC पर नया बूथ चालू किया है। बाकी 3 सेंटर चित्तौड़गढ़ में GNMTC और कपासन में कपासन CSC और निम्बाहेड़ा में इसकाबाद अर्बन CSC यथावत है। कोरोना वायरस को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है, जिसमें चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की निष्क्रियता लाखों जिंदगियां खत्म करने के लिए जिम्मेदार ठहराई गई हैं। एक स्वतंत्र पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर चीन चाहता कोरोना वायरस को महामारी को रोकने से बचाया जा सकता था, मगर उसने समय रहते काबू नहीं किया। इतना ही नहीं, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।
वैश्विक महामारी की जांच करने वाले स्वतंत्र समूह ने निष्कर्ष निकाला है, जब चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था तब विश्व स्वास्थ्य संगठन और बीजिंग तेजी से काम कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन दोनों की लापरवाही की वजह से दुनिया भर में कोरोना फैला। रूस के विदेश मंत्री ने भारत और रूस के रिश्तों को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन कुछ तकनीकी शब्दों को लेकर सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच की साझेदारी बहुत विस्तृत है, आप इसे रणनीतिक साझेदारी भी कह सकते हैं। रूस और भारत के रिश्ते बहुत खास हैं, रूस के लिए भारत बहुत करीब है, बहुत रणनीतिक है। आप चाहें तो इसे अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, इनोवेशन के स्तर पर देखें, हाईटेक, फिर सैन्य तकनीकी के स्तर पर देखें। इसके बाद रूस के विदेश मंत्री ऑर्गाई ने कहा कि हम इंडो पैसिफिक टर्मिनोलॉजी को नहीं मानते, क्योंकि ये अमेरिका की व्याख्या है जो वास्तविकता से दूर है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत अमेरिकी नीति का हिस्सा न बने। नवम्बई के वासी खाड़ी पर चौथे ब्रिज को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ भगत ने रॉल्फ हक परिषद के नेतृत्व में मछुआरों का मुद्दा उठाते हुए पुनर्वसन की मांग की है। चौथे खाड़ी ब्रिज की वजह से मैंग्रोव बर्ड सेंचुरी के साथ ही 550 स्थानीय मछुआरों के कारोबार का नुकसान हो रहा है। आरोप है कि 950 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना ही शुरू कर दिया गया है। ऐरोली का यह वही मनपा अस्पताल है जहां आईसीयू आदि सुविधाओं के उद्घाटन को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी का आरोप है कि इस अस्पताल में स्थानीय विधायक गणेश नाइक ने अपनी निधि प्रदान की है, फिर भी इसके उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक गणेश नाइक को नहीं आमंत्रित किया गया। महापौर जयवंत सुतार ने इसके लिए महाविकास आघाड़ी और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गणेश नाइक के मार्गदर्शन में ही नवम्बई मनपा के जरिए विकास हो रहा है, लेकिन उन्हें मनपा के कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाना तानाशाही नहीं तो और क्या है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नवम्बई की दो हाउसिंग सोसाइटियों ने नया कीर्तिमान बनाया है। इनमें बेलापुर की सीवरेज सोसाइटी ने नंबर वन का मुकाम हासिल किया है, वहीं नेरुल की आर्मी कॉलोनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार, आज के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।